नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं रिमोल बैटरी के बारे में और नॉन रिमोल बैटरीज के बारे में कि इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, कौन सी हमारे लिए सेफ है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी बैटरी हमारे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको कोई ओपिनियन नहीं देने वाला कि वो बैटरी ऐसी होती होगी या वैसी होती होगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करूँगा। और ये आप भी जानते हैं जो हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड है इसमें हमें इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि किस बैटरी की कैसी परफॉर्मेंस है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ पॉइंट की हम बात कर लेते हैं जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी बैटरी हमारे लिए सही है और किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम पॉइंट की बात करें वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें दोनों ही टाइप की जो बैटरी ये वर्क करते हैं लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पे, तो इनमें मेन कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही बैटरी जो है लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पे बेस करती वर्क करती हैं। लिथियम आयन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी होती है, पहले जो टेक्नोलॉजी चलती थी काफ़ी टाइम पहले वो थी लेड एसिड टेक्नोलॉजी, जिससे कि बैटरी वगैरह आती थी जो इन्वर्टर वगैरह में यूज़ होती है। बट उसके बाद एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जो है लिथियम आयन। इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि इसकी जो मेंटेनेंस होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। इसमें हमें किसी तरह कोई एसिड वगैरह नहीं डालना होता, एक तरह से ड्राई बैटरी होती है। तो ये इस टेक्नोलॉजी का हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो इसमें फ्रेंड्स कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बैटरी जो है लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। जो इनके अगर लेयर्स की बात करें हम, लेयर का डिफरेंस होता है इनमें, जो लेयर का भी वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता। जो इनके अंदर लेयर होती है, जो नॉन रिमोल वाली बैटरी है उसमें भी लिथियम मेटल ऑक्साइड यूज़ की जाती है, और सेकेंड जो कैथोड होती है, कैथोड लेयर होती है वो की जाती है कार्बन की। तो जो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ वो डिफरेंस जस्ट इतना होता है कि जो रिमोल बैटरी होती है उसमें अपर वाली जो लेयर होती है वो होती है लिथियम मेटल ऑक्साइड की, और जो डाउन वाली लेयर होती है वो होती है कार्बन की। और यहीं अगर मैं रिमोल नॉन रिमोल बैटरी की बात करूँ, जो उसमें अपर वाली लेयर होती है वो होती है कार्बन की, और जो नीचे वाली लेयर होती है वो होती है लिथियम मेटल ऑक्साइड की। तो इनमें जस्ट इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी जो इनकी टेक्नोलॉजी होती है वो सेम ही वर्क करती है। जो इनके रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो दूसरे पॉइंट के फ्रेंड हम अगर बात करें वो है बैकअप और परफॉर्मेंस। तो बैकअप अगर परफॉर्मेंस की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो परफॉर्मेंस और बैकअप है वो जो नॉन रिमोल वाली बैटरी है उनका ज़्यादा होता है। तो यहीं पे फ्रेंड्स अगर आपके पास दो सेम बैटरी है, दोनों 2000 मान लीजिए 2000 mAh की एक आपके पास रिमोल बैटरी है और 2000 mAh की आप नॉन रिमोल बैटरी है, और इन दोनों के अगर आप बैकअप देखेंगे तो जो नॉन रिमोल वाली बैटरी होगी उसका बैकअप ज़्यादा होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, जो इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ लेयर होती है वो जो नॉन रिमोल वाली हमारी बैटरी है उसमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिमोल बैटरी। उनका जो mAh स्टैंडर्ड होता है वो सेम होता है, बट जो क्वांटिटी होती है लेयर्स की, जैसे मैंने आपको बताया एनोड कैथोड, वो रिमोल बैटरी में कम होती है और नॉन रिमोल में ज़्यादा होती है। तो इसलिए उनका जो बैकअप होता है वो रिमोल बैटरी से अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर फ्रेंड्स हम बात करें वो है लाइफ टाइम की। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ लाइफ टाइम की बात करें, जो हमारे रिमोल बैटरी है इनका लाइफ टाइम थोड़ा कम होता है। वो थोड़ा कम इसलिए होता है क्योंकि जो इन्हें जो है एटमोसफेयर में रहना होता है, कार्बन वगैरह इन पर आ जाती है, बार बार हम निकालते डालते हैं, तो उस वजह से इनका जो लाइफ टाइम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन रिमोल बैटरी। और जो नॉन रिमोल बैटरी है उसका तो जो लाइफ टाइम होगा ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो तो है नॉन रिमोल, उसे हम निकाल नहीं सकते, वो एक तरह से सेफ ही रहती है बोर्ड में, तो उसका इसलिए लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। अगले पॉइंट के फ्रेंड्स अगर हम बात करें, जैसे कि आपने सुना होगा कि बैटरी फट जाती है, उस मोबाइल की बैटरी फट गई, तो ऐसा होता क्यों है? यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें बैटरी के फटने की, तो बैटरी दो ही रीज़न से फटती है, या तो अगर वो ओवरचार्ज हो रही है, या फिर उसके अंदर एक जो सर्किट लगी हुई होती है, वोल्टेज ब्रेकर सर्किट बोलते हैं हम जिसे, उसके अंदर क्या होता है कुछ मॉस्फेट लगे होते हैं। अगर वो मॉस्फेट ख़राब हो जाते हैं, कोइल्स लगी हुई होते हैं, वो कोइल्स ख़राब हो जाती है, तो बैटरी जो है हमारी डायरेक्ट हो जाती है। डायरेक्ट होने जितना भी चार्जिंग आउटपुट देगा वो सब बैटरी में स्टोर होता रहेगा। एक कंडीशन आएगी 4.2 वोल्ट की, जब 4.2 पे बैटरी जो है वोल्टेज फुल हो जाएगी और बैटरी जो है एक फुल कंडीशन में आ जाएगी। बट जो चार्जर है, बैटरी ख़राब हो चुकी है, वो जो चार्जर है उसे चार्ज करता रहेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो बैटरी है वो फुल जाएगी। फुलेगी किस वजह से? वो जो हमारा लिथियम मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्शन करेगा कार्बन के साथ, और वो उसके साथ फिर कार्बन ऑक्साइड बनाएगा, जिससे कि वो बैटरी फुल जाएगी जब ये कंडीशन आएगी 4.2 से अबव वोल्टेज की। तो जब इस कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब बैटरी जो है फट जाती है। अगर यहाँ फटने की बात करें, जो रिमोल बैटरी होती है उनकी कोटिंग की जाती है फाइबर से। अगर आपने देखी हो नॉन रिमोल वाली बैटरी होते हैं उनकी जो कोटिंग होती है वो फाइबर से होती है, जो रिमोल बैटरी होती है उनकी कोटिंग होती है मेटल से। तो जो फटने की इंजरीज होती है जो रिमोल वाली बैटरी है उनमें ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा फटती हैं,
उनका फटने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है क्योंकि जो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एक लेवल उसका ऐसा आ जाता है कि जब बैटरी फट जाती है। और यहीं अगर हम नॉन रिमूवल वाली बैटरी की बात करें जो उसकी साइड्स होती हैं जहाँ से उस फाइबर को लॉक किया जाता है वहाँ से वो लीकेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बैटरी फटती नहीं है, वो बस ये होता है कि वो बर्न हो जाती है, फिर किसी काम के वो हमारे रहती नहीं है, एक तरह से डेड हो जाते हैं फिर वो बैटरी। तो जो फटने की जो इंजरी सबसे ज़्यादा आपने सुनी होंगी वो सुनी होंगी रिमूवल बैटरी में। नॉन रिमूवल बैटरी ऐसा होता है कि अगर इनकी लेयर शॉर्ट हो जाती है तो ये जल जाती हैं बट फटती कभी नहीं। अगले अगर पॉइंट्स के फ्रेंड्स हम बात करें वो है कॉस्ट के। कॉस्ट में अगर देखा जाए तो जो नॉन रिमूवल वाली बैटरी है उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिमूवल बैटरी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये नॉन रिमूवल वाली बैटरी होती है ये जो है एक सेपरेट फ़ोन के लिए ही आती हैं, जैसे कि कोई मोबाइल है ओप्पो का है या फिर कोई भी है तो उसके एक सेपरेट मॉडल के अकॉर्डिंग ही आती है, इसलिए इनकी कॉस्ट जो है ज़्यादा होती है। बट तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें रिमूवल बैटरी की, उनकी कॉस्ट कम इसलिए होती है क्योंकि वो बैटरी कॉमन होती है, वो किसी एक पर्टिकुलर मोबाइल के लिए नहीं बनी होती। जैसे नोकिया की बैटरी है तो नोकिया की जरूरी नहीं कि उसे हम नोकिया में ही चलेगी, वो आप किसी मोबाइल में चला सकते हैं, तो इसलिए उनकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन रिमूवल बैटरी। वैसे बाकी सब सेम होता है। तो आप भी अगर फ्रेंड्स कोई मोबाइल लेने जा रहे हैं तो आप भी मैं रिकमेंड करूँगा नॉन रिमूवल वाली बैटरी का ही मोबाइल लें। बट इसमें थोड़ी सी अगर हमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है नॉन रिमूवल वाले मोबाइल्स में, इनमें जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है जैसे कि मोबाइल हैंग हो गया तो बैटरी आप निकाल नहीं सकते, तो मोबाइल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कब मोबाइल ऑन होगा कब नहीं ऑन होगा, तो ये इनमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अदरवाइज़ जो अगर सेफ्टी और परफॉर्मेंस वगैरह की हम बात करें तो वो नॉन रिमूवल वाली बेस्ट है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा नॉन रिमूवल बैटरी वाला मोबाइल आप परचेस करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का आप लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।